अगर उस परमात्मा से दूर हम इस मृत्यु लोक में आए हैं तो हम वहां की चीजों को भूल गए हैं, विस्मरण कर दिए हैं, विस्मृत हो गए हैं। यह वैसी ही बात है कि अभी हम सत्संग में हैं और अभी मनोहर बाबू ने इतना अच्छा गायन वादन प्रस्तुत किया जो भजन है सदगुरु के द्वारा रचित शब्दकोश से, तो उस क्षणिक अनुभव को आप याद करें जब आपको लगा होगा कि मेरा भी एक घर है, मेरे घर में भी भोजन बन रहा है, मेरे घर में बाल बच्चे हैं, पढ़ने की तैयारी हो रही है, शाम का वक्त है, सोने का भी रात्रि में तैयारी करनी है, हर चीज, एक कहां से आप आए हो, किस ऑफिस से आए हो, सब कुछ भूल जाते हो और बिल्कुल आनंद की अनुभूति में डूबे रहते हो, इस भंवर जाल, इस माया लोक से दूर हो जाते हो और ऐसी इच्छा होती है कि यह संसार से बिल्कुल दूर हम अनुभव जैसा कर रहे हैं वैसा ही हमेशा के लिए हो जाए। यह वही अनुभव है जब हम उस परमानंद की अनुभूति करते थे, परमात्मा के पास रह करके, उस ब्रह्म सरोवर के निवासी थे, उस अमर लोक के वासी।